छतरपुर में नगर पालिका के लगाए गए पीएम आवास योजना के कैंप में उस वक्त जमकर हंगामा हो गया जब एक महिला ने नगर पालिका के कर्मियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि कर्मचारियों ने महिला से पीएम आवास में रुपए डालने के बदले 50,000 की मांग की है। पीएम आवास योजना के कैंप में पहुंची महिला ने नगर पालिका के बाबुओं पर रिश्वत का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। हंगामा होते देख महिला ने नगर पालिका अध्यक्ष को रोते हुए फोन लगाया और अपनी समस्या बताते हुए फांसी लगाने की धमकी दे डाली। महिला की धमकी से घबराई नगर पालिका अध्यक्ष मौके पर पहुंची और अध्यक्ष के मौके पर पहुंचते ही पीड़ित महिला ने रोते हुए नगर पालिका अध्यक्ष के पैर पकड़ लिए। तब नगर पालिका अध्यक्ष ने पीड़ित महिला के मामले में जानकारी ली। महिला का आरोप है कि उसका 2 साल से पीएम आवास में प्रकरण डला है, लेकिन उसमें राशि डालने के नाम पर उससे रिश्वत मांगी जा रही है। महिला के हंगामे के बाद मामला बिगड़ता देख एक बाबू कैंप छोड़कर भाग गया। वहीं पीड़ित महिला की हालत बिगड़ने से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि वह इस मामले की जांच करवाएंगे। यदि नगर पालिका के बाबू ने रिश्वत की मांग की है तो उन पर कार्रवाई होगी। वहीं आरोपी बाबू का कहना है कि महिला इस बात का सबूत दे कि मैंने महिला से रिश्वत की मांग की है। तो मेरे आवाज से पैसे ला दो, फिर मेरे बच्चे घर में रहते आज झोपड़ी में पड़े हैं। सयानी सयानी बच्ची मैं कहाँ तक लुकाऊं, किसके दरवाजे में ला जाऊं अपनी बच्चे को। अंसारी धनी राम को स्वागत है, 25,000 रुपया दे तो आपके पैसे आ गए, हम खाते में डाल देंगे, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे कि कभी तुम्हें किसी नशा लाभ नहीं मिलेगा। तो हमने कही सर तुम कुछ भी कर दो, हमारे पैसा नहीं है, हमें आज खाने का बैठे, हम कहाँ से दे देंगे। वही हकीकत आई, 2 साल से चल रही नहीं पैसा डाला, सब वापसी कर दिया, कह रही है कि किसना साहु पैसा नहीं लेती है, लाभ नहीं लेने चाहती है, ऐसा लग दिया कि कभी लाभ नहीं मिलेगा। ये आवास का था शिविर, ये 30 तारीख लास्ट डेट थी, 31 मुख्यमंत्री योजना की थी, तो ये 3 दिन का आवास बढ़ा लिया था कि जिनके फॉर्म नहीं भरे गए हैं तो ये 3 दिन के अंदर फॉर्म भर जाए, जो इससे वंचित रह गया है तो इसका उपयोग कर सके। आज तो अभी 3 दिन आवास के फॉर्म लिए जा रहे हैं, फिर आगे इसकी प्रक्रिया होगी। हाँ मुझे अभी कॉल आया तो मैं यहीं शिविर होते हुए थोड़ी मीटिंग में जाना था तो मैंने देखा अब जा रही हूँ, वही मैं देख रही हूँ, वो जा रहे हैं नगर पालिका, हाँ सख्त कार्रवाई करेंगे जा रहे। अब ये तो मुझे नहीं पता कि पैसे ले रहे हैं, लेकिन हम पूरा नाम से जानकारी चाह रहे हैं कि पता तो चले कि कौन ये पैसे ले रहा है, तो अभी जो नाम पता चले तो देख रहे हैं जाके। कंप्यूटर तो आरोप लगा रहे हैं, हम कहीं सबूत दे रहे, हमने मांगो है तो प्रमाण दे, प्रमाणी कर रहे हैं, हमने उससे कोई पैसा नहीं मांगा, उसकी 181 कटवाई थी, उसकी 181 कटने के बाद उसका नया आवेदन है, नए DBR में होगा। यहाँ आरोप लगा रही है, आरोप झूठे आरोप कोई भी लगा, कैंप में बवाल भी, आपको प्रमाण देना पड़ेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।